किसान पर मेहरबान हुआ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। आबादी वाले प्लॉट पर नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए किसान संबंधित विशेष खबर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। किसानों को मिलने वाले आबादी के भूखंड पर निर्माण में देरी होने पर अब किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगेगा। हालांकि पूर्व में जिन भूखंडों पर भवन निर्माण विलंब शुल्क जमा हो चुका है वह पैसा वापस नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण के इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा मिला है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के किसान आबादी भूखंड पर निर्माण में देरी के लिए लगने वाले जुर्माने को खत्म करने की मांग कर रहे थे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछली बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। अब इसका कार्यालय आदेश जारी हो चुका है। OSD किसान आबादी सतीश कुमार कुशवाहा की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले 4%, 5%, 6%, 8% और 10% आबादी भूखंडों पर निर्माण में देरी होने पर किसी तरह का विलंब शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि पूर्व में जिन भूखंडों पर विलंब शुल्क प्राधिकरण में जमा हो चुका है उन पर यह निर्णय प्रभावी नहीं होगा। ऐसी धनराशि ना ही वापस की जाएगी और ना ही समायोजित की जाएगी। आदेश के अनुसार यदि किसान ने भूखंड बेच दिया है तो उस पर निर्माण के लिए तय समय बाद जुर्माना लगेगा। 2 साल तक निर्माण नहीं करने पर जुर्माना नहीं लगेगा, इसके बाद विलंब शुल्क देना पड़ेगा। पहले साल आवंटन दर का 4%, दूसरे साल 6%, तीसरे साल 8% और चौथे वर्ष के बाद हर साल 12% का विलंब शुल्क देना होगा। इस फैसले से हजारों किसानों को फायदा मिला है। किसान संबंधित हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।